नमस्ते, मैं राजकुमारी। मेरे YouTube चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज वैक्सीन लगवा कर आई थी और मेरी ये सेकेंड डोज है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी पहली लग चुकी थी और अभी मेरे बार बार मैसेज आ रहा था। और फ्रेंड्स, मैं ऐसे टालती रह रही थी कि मेरे की आज लगवाऊँ कल लगवाऊँगी, पर फ्रेंड्स आज तो मैंने मन बना ही लिया कि मैं इनकी चलो लगवा ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वैक्सीन लगवा कर आ गई थी और अभी आने के बाद में फ्रेंड्स मैंने नहा धो के खाना वाना खा पी के रेस्ट कर लिया था, और उसके बाद में थोड़ा मैंने गार्डन का काम किया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं डिस्पेंसरी आ चुकी हूँ यहाँ पर, और वैक्सीन की मेरी सेकेंड डोज लगेगी आज। तो अभी मास्क वास्क लगा के रखा है, फ्रेंड्स हटाऊँगी नहीं क्योंकि अभी कोविड आ चुका है वापस। मेरे चैनल पर नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्या क्या काम किया। टाइम हो चुका है, अभी 4:45 बज चुकी है, और अभी जाके थोड़ा सा मैं मतलब वैक्सीन के बाद में फ्रेंड्स मैंने जो थोड़ी आराम कर लिया था, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने काम भी किया है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या काम किए। काम तो कुछ खास नहीं किया, पर ये इतना किया था कि फ्रेंड्स मेरे जो इनडोर प्लांट थे ना, तो उनमें से आज मैंने मनी प्लांट थी ना फ्रेंड्स, उनको अच्छे से किया था, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी फ्रेंड्स मैं इनकी करना है। तो आज मेरी छोटी छोटी जो वेस्टेज बोतल से मैंने बनाई थी ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने थोड़ी सी हेरफेर करके और उनको सही किया, तो वो दिखाती हूँ आप। पीछे जितने भी आप मनी प्लांट देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इनके सबके अंदर आज मैंने मनी प्लांट शिफ्ट कर दी है, और इनके अंदर कुछ पर्पल हार्ट की कटिंग लग रही थी, कुछ स्नेक प्लांट की कटिंग लग रही थी, सब हटा दी मैंने फ्रेंड्स, और आपको मैं पास से दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स इसमें से भी है ना मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग हटा दी है, और इसमें सब में आज मैंने फ्रेंड्स ये है ना मनी प्लांट का एक तरह से एक कलेक्शन यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और ये देखिए, अब इधर फ्रेंड्स मेरा सब मनी प्लांट रहेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स आज कितना सुंदर लग रहा है मेरे इधर से देखो। और फ्रेंड्स इनकी धुलाई भी की थी सुबह, आज पानी से अच्छी से धुलाई भी की सभी पौधों की। और फ्रेंड्स पानी तो मैं कभी डालती हूँ, आपको बोला है मैंने कि भाई पत्ते धोना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स मनी प्लांट को इधर से सबको धुलाई कर दी है, और फ्रेंड्स आज जमाने का इतना टाइम नहीं मिला। और फ्रेंड्स ये बूस्टन बर्न है, और ये मेरा क्रोटोन है फ्रेंड्स, तो इसको भी अच्छे से आज धुलाई वुलाई कर दी है। नया काम मैंने ये किया है, और फ्रेंड्स ये मेरे ड्रेस लीना का प्लांट है, तो अच्छे से मुझे नाम नहीं आ रहा, पर फ्रेंड्स मैं छोटा सा ही लेके आई थी इसको, तो आज मैंने इसको बड़े पोट में शिफ्ट किया है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि फ्रेंड्स इंडोर प्लांट के लिए हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, तो मैंने वेल ड्रेन मिट्टी बनाई थी, तो आज इसको मैंने बड़े पोट में शिफ्ट कर दिया। और फ्रेंड्स छोटा सा लेके आई थी, तो देखो अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है, और अभी भी इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। सबसे सॉलिड खाद डाला था ना इंडोर प्लांटों में, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स नीम खली, सरसों खली, और थोड़ी सी उसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट मिलाकर जो डाली थी ना फ्रेंड्स, उससे मेरे ने जो सारे प्लांटों की ग्रोथ अच्छी हो ही रही है, और अरिका पाम की तो बहुत ही अच्छी हो रही है फ्रेंड्स, वो दिखाती हूँ आपको कि मेरे अरिका पाम में अच्छे से है ना जिसकी ग्रोथ नई चालू हो चुकी है और बढ़िया से। और फ्रेंड्स मेरे सारे ही प्लांट में है ना जो नई नई लीव निकल रही है, और फ्रेंड्स खाद डालना बहुत ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स मैंने सॉलिड खाद डालने के बाद में इसकी ग्रोथ और शानदार हुई है। ये मेरी स्नेक प्लांट है, तो मैंने इसको उसमें से निकाल कर और फ्रेंड्स इसको भी वेल्डन मिट्टी में लगाया, और कटिंग से फ्रेंड्स इसकी बहुत सारी है ना जड़ें निकल चुकी है आज, और मैंने इसमें तीनों को शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी ये अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, और ये कटिंग ही लगाई थी फ्रेंड्स मैंने, तो अब इसके से नीचे से बेबी प्लांट निकलने लग जाएंगे थोड़े दिनों में। और कुछ मेरी प्लांट फ्रेंड्स मैंने इस तरह के शिफ्ट कर दी इसके अंदर। बढ़िया, तो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है आज वो शानदार, क्योंकि मैंने आज पूरा मतलब मनी प्लांट का कलेक्शन कर दिया इधर। तो देखिए प्लांट की कटिंग को भी ठीक किया है मैंने आज, तो आज मैंने फ्रेंड्स ना इंडोर गार्डन का ही काम किया है, तो वो दिखाते हैं वाला है जो येलो कलर में फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने चेंज कर दिया, और इसको भी मैं बोनसाई बनाऊंगी, तो फ्रेंड्स आज मैंने लगाया है इसको, और सब में आज मैंने चेंजिंग करी है फ्रेंड्स, इसको भी अलग पोट में शिफ्ट किया है जेट प्लांट को। और
ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स ये वाला जेट प्लांट भी मैंने जो दूसरा पोर्ट में से इसमें शिफ्ट किया है, और फ्रेंड्स ये भी मैंने ही बनाया, इसको मतलब ड्राइंग में नहीं किए इस पर मतलब। और ये जेट प्लांट मैंने इधर रखा है, और ये अरीला प्लांट है फ्रेंड्स जो अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और ये स्पाइडर प्लांट है, और ये सिंगोनियम है फ्रेंड्स। और देखो सिंगोनियम का कलेक्शन मेरे पास अच्छा खासा हो चुका है अभी, ये देख लीजिए कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं आज छत पे नहीं जाऊंगी, और आज आपको मैंने इंडोर गार्डन में जो काम किया है वही दिखाया है, और अब चलते हैं फ्रेंड्स अंदर चलते हैं कुछ बातें करेंगे। फ्रेंड्स कल तो मुझे ना जो कुछ ज़्यादा टेंशन हो गई थी, तो मैंने आपके साथ में कुछ बातें शेयर की थी, और फ्रेंड्स मुझे अच्छे अच्छे कमेंट आए सभी मेरे सब्सक्राइबरों के, सभी मिलने वालों के, वही हिम्मत मत हारो। और फ्रेंड्स जो मन की बात होती है मैं कह देती हूँ, तो फ्रेंड्स मेरा मतलब मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और आज फ्रेंड्स मैं वैक्सीन लगवा कर आई थी, और फ्रेंड्स मैं लेटी इसलिए नहीं थी क्योंकि फ्रेंड्स लेट जाते ना फिर ना जो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि बुखार आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो थोड़े चक्कर से आए थे हल्के से मुझे, पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं बैठ गई थी फ्रेंड्स वहाँ पर, और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फ्रेंड्स अभी एक कोविड की तीसरी लहर है। और फ्रेंड्स आप लोग सभी से मेरे यही निवेदन है कि आपने नहीं लगवाई है तो फ्रेंड्स आप जाके वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि फ्रेंड्स वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है जिसकी वजह से अपन बच सकते हैं। और दूसरी बात है फ्रेंड्स मास्क लगा के निकलो, और जब ज़रूरी काम हो तब घर से निकलना है फ्रेंड्स, क्योंकि जान है तो जहान है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि भाई कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है, और 30 जनवरी तक फिर वही शक्ति बरती जाएगी, तो स्कूल में जो बच्चों की जो संबंध हो चुकी है, तो फ्रेंड्स घर में खाली टाइम पे आप बैठे हो, तो फ्रेंड्स आप लोग है ना जो अपनी घरों की छत पे या नीचे जहीं भी कहीं पर भी आपके पास जगह है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग है ना जो सब्जियाँ लगाइए, और जो फ्लावर प्लांट है वो भी लगाइए, इंडोर गार्डन पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लांट आते हैं फ्रेंड्स वो लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि ये तीसरी लहर से बचने का यही एक मतलब ये है कि घर पे ही सेफ्टी है फ्रेंड्स, बाहर जाके कोई सेफ्टी नहीं है। अगर जरूर से जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जीवन एक अमूल्य चीज़ है फ्रेंड्स। और संघर्ष तो देखो सबके ज़िंदगी में चलता रहता है, मेरे साथ भी आपके साथ भी है, और मेरा यही कहना है कि अभी तक आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो फ्रेंड्स वैक्सीन जाके लगवाना, और बस ये मेरा तो संदेश फ्रेंड्स कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और अपनी फैमिली के लिए अच्छी अच्छी सब्जियां उगाएं, अच्छे अच्छे उनके लिए ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए मैं आपसे कहूँगी भाई ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियाँ लगाएँ, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखिए। और फ्रेंड्स मैंने आज के वीडियो में जो मनी प्लांट आपको जो लगाइए फ्रेंड्स इसका वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मनी प्लांट को लगाना बहुत इजी है, तो इसके लिए बेल्डर मिट्टी बनाई जाती है, और इसको कैसे लगाया जाता है फ्रेंड्स इसका वीडियो मैंने शेयर कर रखा है, तो प्लीज़ मेरे जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है, अगर मेरा आपको वीडियो आज का इतना सा भी अच्छा लगे ना तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही है, अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।